स्वागत है आप सबका अपने चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट में। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड के बारे में। तो आप सब इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और हमें कमेंट करके बताएं कि इस कंपनी का स्टॉक आपके पास है या फिर नहीं है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इस कंपनी का मार्केट कैप 15,29,510 करोड़ का है। कंपनी का करंट शेयर प्राइस 4,227.90 रुपीस है और 52 वीक का इसका हाईएस्ट शेयर प्राइस 4,592.25 रुपीस है। अब बात कर लेते हैं कंपनी में शेयर होल्डिंग के बारे में। फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग कंपनी में 12.35% की है, जो कि लास्ट क्वार्टर में बढ़ती हुई दिख रही है और इसमें हमें काफ़ी अप डाउन भी देखने को मिल रहा है। म्यूचुअल फंड्स की शेयर होल्डिंग 4.25% की है, जो कि लगातार 4 क्वार्टर से बढ़ रही है। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस की शेयर होल्डिंग 6.81% की है, जो कि 2 क्वार्टर से बढ़ती हुई दिख रही है। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग 71.77% की है और रिटेल एंड अदर की शेयर होल्डिंग कंपनी में 4.82% की है, जो कि 4 क्वार्टर से लगातार कम होती हुई दिख रही है। बात करें कंपनी के अंदर फंडामेंटल्स के बारे में, तो इसका पीई रेशियो 32.31 है और जो इस सेक्टर का पीई रेशियो है वो 37.70 है। पीवी रेशियो 15.02 है। आरओई 59.60% है। ROCE 79.73% है। कंपनी अपने निवेशकों को डिविडेंड भी देती है। इसका डिविडेंड यील्ड 1.72% है। इसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है। बात कर लेते हैं कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में। बात करें इसकी ईयर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो 2023 में कंपनी को 42,303 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि 2024 में कंपनी ने 46,099 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। 2023 के कंपैरिजन में 2024 में कंपनी ने प्रॉफिट ज़्यादा अर्न किया है। और अगर बात करें इसकी क्वार्टर वाइज रिपोर्ट के बारे में, तो सितंबर 2023 में कंपनी को 11,380 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, जबकि सितंबर 2024 में कंपनी ने 11,955 करोड़ का प्रॉफिट अर्न किया है। सितंबर 2023 के कंपैरिजन में सितंबर 2024 में कंपनी को प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। जान लेते हैं शेयर मार्केट में कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में। 2004 से अभी तक कंपनी ने अपने निवेशकों को 3,414% का रिटर्न दिया है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न है। 5 साल में कंपनी ने 113% का रिटर्न दिया है। 1 साल में कंपनी ने 17% का रिटर्न दिया है। 6 महीने में कंपनी ने 6% का रिटर्न दिया है और 1 महीने में कंपनी ने अपने निवेशकों को -6% का रिटर्न दिया है। तो आप सब ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड से संबंधित आंकड़े देख लिए हैं। कंपनी में हमें हर तरह की शेयर होल्डिंग देखने को मिल रही है। कंपनी का पीई रेशियो लो है। कंपनी अपने निवेशकों को बहुत अच्छा डिविडेंड दे रही है। इसके अलावा कंपनी डेब्ट फ्री है। बात करें कंपनी में प्रॉफिट और लॉस के बारे में, तो कंपनी ने ईयर वाइज और क्वार्टर वाइज दोनों में अच्छा प्रॉफिट अर्न किया है। और अगर बात करें कि कंपनी ने अपने निवेशकों को कितना रिटर्न दिया है, तो कंपनी अपने निवेशकों को अच्छा रिटर्न दे रही है, लेकिन 1 मंथ से इसमें गिरावट देखने को मिली है। तो आप सब किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले लें और ख़ुद भी अच्छे से रिसर्च कर लें। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल शेयर मार्केट रिपोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। बहुत जल्दी मिलते हैं हम आपसे एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।